टूडे वी विल डिस्कस अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायो केमिस्ट्री बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन आई एम शेयरिंग फ्यू बुक्स दीज आर दुक्स यू कैन यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायो केमिस्ट्री डी एम वासुदेवन नाइन्थ एडिशन मोहम्मद रफी साहब एक बुक आता है थर्ड एडिशन लेटेस्ट है अभी हार्पर की बुक बहुत बढ़िया है यदि आप बायो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो काफी डीप में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एसके गुप्ता जी की है सत्यनारायण की भी बुक बढ़िया है और पंकजा नायक ये बुक्स हैं जो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है और जो स्टूडेंट्स का स्टेमिना थोड़ा कमजोर है वो एरो का एक एरो पब्लिकेशन की बुक आती है गाइड वो भी यूज कर सकते हैं बाकी इन बुक्स से पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यदि आप डीप में पढ़ना चाहते हो बायोकेमिस्ट्री को तो ये बुक्स आप जरूर इनका सहारा लें आप ठीक है आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंजाइम्स एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इससे एक बी ए क्यू या एल ए क्यू या एस ए क्यू एग्जाम में जरूर आएगा ठीक है ब्रीफ आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये तीनों में से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा ठीक है एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है एंजाइम आर द बायोमोलिक्यूल्स दे एक्ट एज कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होते हैं जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म होता है डाइजेशन होता है तो इनके जो रिएक्शन अप करता है उसको हम एंजाइम कहते हैं ठीक है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं सी टी पी एस सी सेटेलाइटिक एक्टिविटी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा टी स्टैंड फॉर थर्मोलेबाइल एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल इन नेचर मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ये बेटर परफॉर्मेंस देते हैं यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट होगा और अपना काम नहीं कर पाएगा एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं तो ये प्रोटीनस नेचर के होते हैं एक एंजाइम को छोड़ के एक्सेप्शन है इसमें वो है राइबोजाइम राइबोजाइम एक्सेप्शन है जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता है इसके अलावा सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं ठीक है और एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी मतलब होता है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही स्पीड अप करेगा अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एंजाइम अपने से बाइंड होगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा लेकिन एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं होता है ठीक है ये केवल अपना काम करता है एंजाइम के अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आते हैं ये रिएक्शन के एक्टिवेशन रिएक्शन का जो एनर्जी लेवल है है ना उसको ये ऐसे एडजस्ट करता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है ठीक है आगे अभी हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझेंगे तो आपको एंजाइम की डेफिनेशन समझ में आई सी क्या होता है कैटेलाइटिकवाइल प्रोटीनस इन नेचर और स्पेसिफिक इन नेचर ठीक है तो ये एंजाइम की डेफिनेशन हो गई एंजाइम लोव द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन जिस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है उसकी एक्टिवेशन uh, एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे सबसे प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम का जो नॉमिन है ये कुहन नाम, नाम के साइंटिस्ट ने किया था और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम का लॉक एंड की कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो कि एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था एंजाइम की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम दो तरह से समझा सकते हैं एक तो की लॉक थ्योरी ठीक है और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इंड्यूज फिट थ्योरी के हिसाब से यदि सब्स्ट्रेट और एंजाइम की प्रॉपर बाइंडिंग होगी उसके बाद में ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो प्रॉपर फिट होना बहुत जरूरी है सबस्ट्रेट का और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनना बहुत जरूरी है ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा उसके बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एंजाइम कोलाइडल नेचर के होते हैं कोलाइडल मतलब जब आप प्रोटीन को दूध में या पानी में घोलते हो तो वो क्या होता है सस्पेंड हो जाता है इक्वली कोलाइड का फॉर्म करता है तो ऐसे ही ये कोलाइडल नेचर के होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी इनको कहते हैं है ना इनको बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं है ना ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और दे आर बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन के बने होते हैं और ये लिविंग सेल जो होता है हमारी बॉडी का उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं दो टाइप के एंजाइम होते हैं इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर वो जो सेल के अंदर काम करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वो जो सेल के बाहर काम करते हैं जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहां कुछ एंजाइम्स होंगे है ना आपका न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का जब फॉर्मेशन होता है डीएनए एन आर डीएनए से आर बनता है आर से प्रोटीन बनता है तो इसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको जो स्पीडअप करेगा वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होगा ठीक है तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन कहा पर ये काम कर रहे हैं अब चूंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तो इसमें आ, नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है इसका सिक्सटीन परसेंट ओके अब हम देखते हैं एक्टिवेटर्स क्या होते हैं ठीक है एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं कुछ इनऑर्गेनिक आयन है जो की एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोराइलेशन इसको मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है coagulation, coagulation को कैल्शियम एक्टिवेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्शन इसको कौन एक्टिवेट करता है जिंक आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसको कॉपर और आयरन ये इसको एक्टिवेट करते हैं जाइमोजेंस क्या होते हैं प्रो एनजाइम्स क्या होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं और उसके बाद एक्टिवेट होके अपना फंक्शन देते हैं इनको हम जाइमोजाइम या प्रो एनजाइम्स कहते हैं प्रो एंजाइम्स -en का एग्जाम्पल क्या है पैप्सिनोजिन जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है ठीक है इसको हाइड्रोजन प्लस आयन एक्टिवेट करता है तो पैप्सिनोजिन से पैप्सिन बनता है पैप्सीन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिनोजिन जब एक्टिवेट होगा तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा ठीक है दिस इज ऑल्सो एंजाइम एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजन आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ठीक है साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम पाए जाते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं तो साइटोप्लाज्म में भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं सेम एक्शन बट साइट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट जिकल -enzymes. -enzymes प्रॉपर्टी होते हैं, co -enzymes, जो enzymes को support करते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं उसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं एंजाइम एक्टिविटी के मेजरमेंट का यूनिट होता है कटल ठीक है ये याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके एग्जिट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ठीक है आप थोड़ा सिंसियरली स्टडी कीजिए क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम लिया जाएगा आप लोगों का जिनका एडमिशन दो हजार बाविस में हुआ है ठीक है तो एग्जिट एग्जाम की भी आपकी तैयारी होगी यदि आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे और फैक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान रखोगे और की पॉइंट्स पे बुलेट पॉइंट्स पे ठीक है तो एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने का यूनिट होता है कटल है ना जैसे हम लोग मिल्क को लीटर में है ना शुगर है उसको के में हम मेजर करते हैं तो वैसे ही एंजाइम एक्टिविटी को हम कटल में मेजर करते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखते हैं

है ना ऑक्सीडो रिडक्टेज गाय रेज लाई गेज तो एज आपको नजर आएगा तो उससे आप समझ सकते हो कि ये एंजाइम है ठीक है तो सोने हो रहे ये कैटेलाइज करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अब इसका एग्जांपल है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक होता है ट्रांसफरेस एंजाइम ठीक है ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा हाँ स्क्रीन नहीं हो रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही है ओके ओके सर स्टार्टिंग से नहीं हो रही है स्टार्टिंग से नहीं हो रही है ठीक है ठीक है एक मिनट आप हो रही है यस सर हाँ रुको मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग दीज आर द बुक्स नाम तो अभी आपने सुनी लिए हैं ना इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप जो भी बायोकेमिस्ट्री को मतलब अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो बुक का हेल्प ले है ना गाइड से समझ में नहीं आएगी बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है है ना ताकि हम हमारे शरीर को समझ पाए हमारे शरीर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं है ना सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी एटॉमिक लेवल पे है मॉलिक्यूलर लेवल पे है न्यूरो ट्रांसमीटर्स है एंजाइम्स हॉर्मोन्स हैं है ना और जितने भी न्यूट्रिश हम लेते हैं जैसे काप्स लेते हैं प्रोटीन लेते हैं है ना लिपिड हम कंज्यूम करते हैं आगे चल के ये सब हमारी बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और हमारी बॉडी इसको यूज करती है है ना जैसे कोलेस्ट्रॉल से हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है फॉस्फोलिपिड से ठीक है थीके? जैसे प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन से हॉर्मोन्स बनते हैं न्यूरो बनते हैं जैसे सैरेटोनिन हुआ ग्लूटामेट हुआ है ना ये आपका एड्रेनालिन हुआ कुछ हॉर्मोन एज ए न्यूरो भी काम करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को समझने के लिए है ना क्योंकि हम बींग एज अ फार्मासिस्ट हम लोग दवाई डेवलप करेंगे हम समझेंगे कि दवाइयां बॉडी पे काम कैसे करती है तो उसके लिए हमें बॉडी की कम्पोजिशन को समझना बहुत जरूरी है एटॉमिक लेवल पे मोलिकुलर लेवल पे ठीक है और एंजाइम के लेवल पे प्रोटीन्स के लेवल पे इसलिए हम ये प्रोटीन एंजाइम कार्प ये सब हम पढ़ते हैं ठीक है न्यूक्लिक एसिड हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था है ना तो ये स्क्रीन में आपको एक बार दिखा देता हूँ सीटीपीएस ठीक है कैटालाइटिक थर्मोलेबाइल और प्रोटीनस नेचर के होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर ये भी आप लोग देख लीजिए। ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप है ना ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं आप है ना यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है कहां पर थे ट्रांसफरेज पे ठीक है ट्रांसफरेज इज आल्सो एंजाइम ये ट्रांसफर का काम करता है है ना किसी भी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है ठीक है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं किसी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे ठीक है तो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम इट फैसिलिट द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनादर दो सबस्ट्रेट है तो ये एंजाइम क्या करेगा एक सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप दूसरे में ट्रांसफर कर देगा तो ये है ट्रांसफरेस का काम एंजाइम क्या क्या करता है? करता है क्या होती है है परफॉर्म होती जैसे आपने सुना होगा भाई प्रोटीन के हाइड्रोलिस की तो हमें अमाइनो एसिड्स मिल गए तो हाइड्रोलिस मतलब होता है पानी से किसी चीज को तोड़ना तो इसकी जो रिएक्शन है इसको कौन स्पीड अप करेगा हाइड्रोलेज आइसोमेरेस क्या करेगा आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करेगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म जब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सेम है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं ठीक है मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं तो आइसोमेरेज आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करने के काम आता है लाइगेज एंजाइम क्या करता है है ना लाइगेज जोड़ने का काम करता है कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स दो सबस्ट्रेट को जोड़ देगा ठीक है ये एंजाइम है और ये दो सबस्ट्रेट है ये दोनों सब्सट्रेट आके एंजाइम से बाइंड हुए और जब ये अलग हुए तो दोनों जुड़ गए ठीक है तो लाइगेस का काम हो गया है ना मतलब लिंकिंग हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहां पर वर्डिंग में ही लिखा हुआ है एंजाइम एक्ट एज द कैटलिस्ट एंड इंक्रीजेज द केमिकल रिएक्शन ठीक है केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं ये के लिए काफी स्पेसिफिक होते हैं। एक enzyme, एक से करके ही उसको प्रोडक्ट में बदलेगा ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम में तो वो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा ठीक है ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं एक चीज याद रखना दे विल नॉट

ठीक है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है कि बाइंडिंग साइट पे एंजाइम पे जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उस पे सबस्ट्रेट का प्रॉपर बाइंड होना बहुत जरूरी है यदि ये बाइंडिंग हुई कि तो ही आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कन्वर्जन होगा आप इस में से समझ सकते हैं देखिए दिस इज एंजाइम और ये सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 और ये दोनों सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड हुए 1 मिनट देखो ये है आपका एंजाइम ये है आपका सबस्ट्रेट वन एंड सबस्ट्रेट टू दोनों सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड हुए ठीक है तो ये प्रोडक्ट बन गया और ये जो है इसको हम बाइंडिंग साइट बोलते हैं ठीक है बाइंडिंग साइट पे ये जो है ये बाइंडिंग साइट है यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम से ठीक है और ये फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं देखो तो एंजाइम मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म की जो रिएक्शन है उसको स्पीडअप करते हैं मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है कैटाबोलिज्म और एनाबॉलिज्म कैटा मतलब टूटना एना मतलब जुड़ना ठीक है जैसे अमाइनो एसिड्स जुड़ गए आपस में तो इंसुलिन बन गया इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये प्रोटीनस नेचर का होता है इसमें ए चैन और बी चैन होती है ठीक है इसमें आपका अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के इंसुलिन बनाते हैं तो ये जुड़ के बना रहे हैं है ना तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है ठीक है कैटाबॉलिज्म क्या होता है हमने प्रोटीन खाया हमने दाल खाई लेकिन उस दाल में जो प्रोटीन है उसको हम एमानो एसिड में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैटाबोलिज्म एना मतलब होता है जुड़ना कैटा मतलब होता है टूटना तो जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन को हाइड्रोलिस के थ्रू ब्रेक डाउन करेगी और उसका जो स्मॉल यूनिट है उसका जो मोनोमर है ठीक है सिंगल यूनिट है उसमें उसको कन्वर्ट करेगी अल्फा एमाइनो एसिड्स फिर अल्फा एमाइनो एसिड्स का हमारी बॉडी यूज करके बहुत सारे हॉर्मोन्स बना सकती है ऑक्सीटोसिन बना सकती है ठीक है आपका इंसुलिन बना सकती है और क्या बना सकती है काइनिन बनाएगी ब्रेडीन काइनिन क्या है ऑटोकोइड्स अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना ऑटोकोइड्स ब्रेडी काइनिन साइक्लिन ये सब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो ये आपको समझ में आया एंजाइम की फंक्शनिंग कैसे एंजाइम काम करते हैं इसमें किसी को कोई डाउट है क्या समझ में आया काम ना यस yes, हाँ ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम 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 में एंजाइम से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें एंजाइम से क्वेश्चन ना आया हो ठीक है ये बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका एंजाइम्स और इजी भी है, है ना एंजाइम्स के एग्जाम्पल देखते हैं पैप्सिन पैप्सिन क्या करता है इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन और ये किस पीएच पे काम करता है एसिडिक पीएच पे काम करता है जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं यदि एसिडिक मीडियम में काम करेंगे तो उनको एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी तभी वो काम करेंगे ठीक है हम ये उसमें एंजाइम एक्टिविटी तो पेप्सिन किस पे काम करता है एसिडिक पीएच पे और वो पीएच क्या होता है वन पॉइंट फाइव ठीक है प्रोटीएजिस प्रोटीएजिस क्या करते हैं ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है एमाइलेजिस एमाइलेज amylase क्या करता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने कभी रोटी को बत्तीस बार चबाया होगा मुंह में चबा के देखना रोटी का एक निवाला मुंह में बत्तीस बार जब आप चबाओगे तो आपको मीठी लगने लगेगी रोटी है ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन उसका वहां से मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है तो वो मीठी लगने लगती है रोटी तो वो एमाइलेज की वजह से होता है ठीक है हमारी जो लार ग्रंथियां होती है पैरोटिड होती है जो हमारे माउथ में ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो इन एंजाइम्स को सिक्रीट करती है ठीक है आ, लाइपेस एंजाइम क्या करेगा नाम से ही समझ में आ रहा है लिपिड लाइपेस तो लिपिड का जो ब्रेकडाउन है वो लाइपेस करेगा है ना हमारे डाइट में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होते हैं काब्स होते हैं प्रोटीन होता है ठीक है और लिपिड्स होते हैं और इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है इससे ही हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है ग्रोथ होता है है ना और हमारी बॉडी का कम्पोजिशन में मेजर रोल प्ले करते हैं तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है है डाइजेशन उसके लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है है ना जैसे आपका ब्लड में यदि ग्लूकोज के लेवल को हमें मेंटेन करना हो तो हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी इंसुलिन भी प्रोटीन से बना होता है ठीक है और ये आपने जो पेप्सिन प्रोटीज एमाइलेज लाइफेज ये सारे किसके एग्जाम्पल है एंजाइम्स के एग्जाम्पल है तो एंजाइम होते हैं बायोकेटलीस्ट और हार्मोन क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं जिस रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज किया है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई है जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है और विदाउट एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई ठीक है तो वो हाई के केस में क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन धीरे होगा या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं ठीक है बिना एंजाइम के वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है रिएक्शन ऐसा भी होता है तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि एंजाइम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं इस ग्राफ को आप जरूर बनाएं यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी है ना एग्जाम में हमको ऐसे नहीं लिखना है कि बस एक तरफ से जो ऐसे लिखना चालू किया कुछ ग्राफ्स होने चाहिए कुछ फ्लो चार्ट होने चाहिए है ना शॉर्ट एंड स्वीट हमें लिखना है एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए वैसे तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है हम वही लिखें है ना जब हमें वो चीजें उतने अच्छे से हम एक्सप्लेन ना कर पाए तब आसपास की चीजों को उसमें शामिल करें और जब हमें ऐसा लगे कि यार हमारे पास कंटेंट कम है और ये सोलह नंबर में क्वेश्चन आ गया है तो अब हम उसको बढ़ाने के लिए उसमें इधर उधर की थोड़ी चीजें ऐड करें लेकिन उससे जुड़ी होनी चाहिए ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं ये है एंजाइम ठीक है और ये एरो पर बताई गई है ठीक है थीके? ये यहां पर लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ एंजाइम हैकर दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट active site enzymes are substrate specific है ना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिवेट साइट एंड एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट है ब्लू वाला ये है एक्टिव साइट ये वाली और ये है आपका एंजाइम मॉलिक्यूल और यहाँ पर ये यह इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको आप पढ़ लोगे ठीक है स्नैपशॉट लेके अब इस ध्यान से समझना केकड़े के यदि मैं डंक के पास में यदि अंडा रखूं तो केकड़ा उसको दो भागों में बांट देगा बांट देगा या नहीं क्यों काम ना यस yes, सर और यदि मैं केकड़े की केकड़े की यदि मैं पूछ की तरफ ये पीछे की तरफ यदि अंडा रख दू तो क्या अंडे के दो टुकड़े होंगे नो no, नहीं होंगे ना बस यही होता है बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट तभी वो प्रोडक्ट में बदलेगा अंडे को जब हम केकड़े के डंक के बीच में रख देंगे तो वो फट से काट देगा उसको और दो टुकड़े कर देगा और यदि हमने पीछे पीठ पे रख दिया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा हमने यदि पीछे की तरफ पूछ की तरफ रख दिया कुछ कर ही नहीं पाएगा बस यही होती है बाइंडिंग साइट ठीक है यहीं पर बाइंड होना चाहिए सबस्ट्रेट तभी काम होगा है ना और इनिबीटर्स क्या करते हैं एंजाइम इनिबीटर्स भी एग्जाम में पूछते हैं इनिबीटर्स क्या होते हैं वो सबस्ट्रेट को यहाँ बाइंड नहीं होने देंगे सबस्ट्रेट की जगह खुद ही बाइंड हो जाएंगे अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा अब सबस्ट्रेट यदि बाइंड नहीं होगा तो क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं बदलेगा इसी को हम बोलते हैं एंजाइम इनिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देना ठीक है एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेना जिससे सब्सट्रेट बाइंड ना हो पाए और फाइनल प्रोडक्ट ना बन पाए अब हम आगे देखते हैं ये कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है और नॉन कॉम्पिटेटिव इनि इनिबिशन होता है दो टाइप के होते हैं जब हम फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ठीक है एंजाइम इनिबिटर्स की तभी हमको समझ में आ जाएगा ये समरी है है ना जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको आप एक बार पढ़ लेना एंजाइम का इंपॉर्टेंस है ना ये डायग्नोसिस में हमें हेल्प करता है जैसे हमने लिवर प्रोफाइल टेस्ट करवाया ठीक है तो एस और एस का लेवल हम चेक करते हैं तो किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में उसके इलाज में एंजाइम के लेवल को हम चेक करके बीमारी का पता लगा सकते हैं ठीक है जैसे हमने हमें लीवर की हेल्थ का पता लगाना है तो हम उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एस और एस और ए ये तीन एंजाइम होते हैं हम इसके लेवल को चेक करेंगे कि ये कैसे हैं क्योंकि लेवल इसका यदि फ्लक्चुएट होगा तो उससे कोई ना कोई डिजीज हमें इंडिकेट हो सकती है तो डायग्नोसिस में यूज होते हैं ये ठीक है एंजाइम और क्या रोल है इसका मेटाबॉलिज्म को स्पीडअप करेंगे कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म जो भी है डायग्नोसिस में थेरापिटिक्स में है ना ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है और एंजाइम्स की प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता चुका हूँ है ना और क्लासिफिकेशन भी आपसे डिस्कस कर लिया है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स और नॉमिनक्लेचर भी आपको बता चुका हूं एंजाइम का नॉमिनक्लेचर ये एंजाइम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये एंजाइम इनिबिटर्स की डेफिनेशन है ये भी मैं आपको बता चुका हूं ये इसका फ्लो चार्ट है ठीक है इनिबिशन का देखो इनिबिशन कैसे हो रहा है एक्टिव साइट पे इनिबिटर बाइंड हो गया अब इनिबिटर बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट बाइंड हो पा रहा है क्या ये देखो बेचारा सबस्ट्रेट यहां पर अकेला खड़ा हुआ है ठीक है अब सबस्ट्रेट अकेला खड़ा है अब देख रहा है उसको मिल ही नहीं रहा बाइंड होने को है ना ये होता है है एंजाइम ठीक तो ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं एंजाइम्स एंजाइम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हम एक्सटर्नली भी एंजाइम ले सकते हैं जैसे किसी का खाना नहीं पछता इन डाइजेशन का प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन है तो हम डाइजेस्टिव सिरप उसको देते हैं जैसे एरेस्टोजाइम का एक सिरप आता है ना उसमें पेपेन से और प्लांट सोर्सेस से एंजाइम को आइसोलेट करके उसको फॉर्मुलेट किया जाता है और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होते हैं जैसे एंटी कैंसर ड्रग हमने डेवलप किया नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये मैं आपको क्लिनिकल uh, फार्मेसी जब पढ़ाऊंगा तब ये आपको एक्सप्लेन करूंगा और डायग्नोसिस में किसी डिजीज के डिटेक्शन में है ना और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो उसके जो रिएक्शंस होते हैं उसको भी स्पीड अप करने के लिए हम एंजाइम का यूज करते हैं चलिए ठीक है ये एंजाइम समझ में आ गया आपको कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट है एंजाइम में किसी को सर स्टार्टिंग से स्क्रीन को शो कर दीजिए प्लीज हाँ ठीक है बिल्कुल एंजाइम का नॉमिन किसने किया था कुहन साइंटिस्ट ने ठीक है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट किसने दिया था एमिल फिशर ने और ये जो फिट थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये किसने दी थी कोहार्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आप सोच रहे होंगे अभी आपको एग्जिट एग्जाम देना है बेटा है ना तो आपको केवल दो साल के ग्यारह सब्जेक्ट को पास नहीं करना है आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है और एग्जिट एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्जिट एग्जाम आपका निकलेगा और नहीं तो फिर क्या मतलब है डिप्लोमा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा तो कोई काम का है क्या आपकी मार्कशीट नहीं है काम की तो आपको एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करनी है ठीक है उसमें आपसे एम ही पूछेंगे वो थ्योरी नहीं पूछते उसमें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फैक्ट्स भी पता होने चाहिए जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो है ना डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एग्जिट एग्जाम में उसका काफी सपोर्ट मिलेगा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ठीक है ऑर्गेनिक है ना मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं तो हमारे बॉडी में एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है माइक्रो मतलब छोटा मैक्रो मतलब बड़ा ठीक है जैसे प्रोटीन मैक्रो है प्रोटीन को मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो उससे जो अल्फा एमो एसिड बना ये क्या है माइक्रो है माइक्रो मतलब छोटा मैक्रो मतलब बड़ा ठीक है बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे मतलब प्रोटीन बना लेंगे ऑलिगोसेकेराइड लिपिड, लिपिड तो यदि आपका जैसे मोनोसेकेराइड के बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे मैक्रो ठीक है तो ये मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के ह्यूमन बॉडी में होते हैं चूंकि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीडअप करना है तो हमारे बॉडी के सेल इनको को बनाते हैं सिंथेसाइज करते हैं ठीक है एक्टिवेटर्स क्या होते हैं एक्टिवेटर्स वो जो एंजाइम को एक्टिवेट करें है ना इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉस्पोराइलेशन फॉस्पोराइलेशन कहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में है ना? है ना कोएगुलेशन कोएगुलेशन ब्लड का होता खून का थक्का जमना तो आपने जो खून के थक्का जमने की प्रोसेस पढ़ी है उसमें जो तेरह कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में शामिल होते हैं उसमें से जो फोर्थ होता है वो कैल्शियम ही तो होता है कैल्शियम एक मिनरल है जो कि ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि कोएगुलेशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है ब्लड का कोएगुलेशन मतलब खून का थक्का जमना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है इसका एक्शन कौन इनिशिएट करता है जिंक ठीक है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो होते हैं उसके लिए हमें कॉपर और आयरन की जरूरत पड़ती है तो ये है आप स्क्रीन देख लीजिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आइसोजाम्स क्या होते हैं ठीक है एंजाइम का क्लासिफिकेशन और ट्रांसफरेज एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम आइसोमेरेज एंजाइम लाइगेज एंजाइम है ना और ये एंजाइम की, की लॉक है ना आप मुझे बताओ आपने यदि ताले में गलत चाबी डाल दी तो ताला खुलेगा क्या हो सकता है कि मिलती जुलती चाबी का साइज हो है ना आपके चाबी के गुच्छे में उससे मिलती जुलती और भी चाबियां हो आपने ताले में यदि गलत चाबी फंसा दी तो ताला खुलेगा क्या आपका क्यों दीपिका सर नहीं पर... खुलेगा नहीं खुलेगा ना एक सही एक ताला उसकी सही चाबी से ही खुलता है वैसे ही जो एंजाइम है वो भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदलेंगे ठीक तो है तो यही है की एंड लॉक थ्योरी ताला चाबी की सिद्धांत ठीक है और इंजाइम इनिविशन क्या है आपने ताले में गलत चाबी फंसा दी अब आप घुमा रहे हो इधर उधर न ताला खुल रहा न चाबी निकल रही ये होता है एंजाइम इनिविशन ठीक है ताला भी नहीं खुल रहा और चाबी अलग फंस गई कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा क्यों हुआ है कभी कि ताले में कोई गलत चाबी फंस गई और ताला भी ना खुल रहा और फिर बड़ी मुश्किल से चाबी निकालनी पड़ती है नहीं घटी होता, होता है ना तो यही है एंजाइम ठीक है और हम देख लेते हैं इसमें हाँ एंजाइम के एग्जाम्पल प्रोटीजिस और एमाइलेजिस और लाइपेजिस ठीक लाइपेज, है और ये एक्चुअली एंजाइम का ये साइड में स्ट्रक्चर दिया हुआ है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप जानते हो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है ठीक है और आपको शायद पता होगा कम से कम दस हजार प्लस मोलिकुलर वेट होता है नॉर्मली हम मोलिकुलर वेट पढ़ते हैं भाई दो सौ है ढाई सौ है पाँच सौ है हजार है, है लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है ठीक है मोलिकुलर मास भी इसका हैवी होता है है ना और वहीं पर यदि मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं जिससे डीएनए और आरएनए बनता है इनका तो मतलब सड़सठ हजार पचास हजार है ना ऐसा होता है जैसे इंसुलिन का पता है किसी को इंसुलिन का सैतालीस हजार है ना और आपका है है ठीक इन सबका मॉलिकुलर वेट काफी हैवी होता है तो ये एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? जो लोग मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं वो देखेंगे डाइजेस्टिव सिरप में कौन सा एंजाइम है और मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है जिनके घर मेडिकल स्टोर हो या जो मेडिकल स्टोर पे बैठते हो या इंट्रेक्शन हो तो वो मुझे देख के बताएंगे कि कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट ठीक थी। है या आपका होमवर्क है देख लिया दीपिका आपने शुरू से मैंने स्लाइड दिखा दी बेटा आपको है ना जी आप चाहो तो मैं इसका वीडियो आपसे शेयर करूंगा तो आप वहां से देख लेना ठीक है <laughs> ओके okay, सर चलो है ना आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस करेंगे फार्माकोलॉजी का Thank कोई you, नया यूनिट पढ़ेंगे मोस्ट वेलकम स्टॉप शेयरिंग और एंड मीटिंग गुड बाय